गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर EVS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 सेफ्टी रूल्स। सो लेट्स बिगिन इट। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक्स एंड स्टार्ट डूइंग विथ मी। ओके, क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो आपको नीचे वर्ड्स गिवन है ना बेटे, इनमें से आपने सही वर्ड को चूज करके आप ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। ओके, फर्स्ट देख के सेंटेंस, रेड लाइट सेज। रेड लाइट क्या कहती है? टू स्टॉप। सो वी राइट स्टॉप हेयर। नेक्स्ट इज नेवर प्ले ऑन द, कहाँ नहीं खेलना चाहिए? ऑन द रोड। वेरी गुड, रोड पर हमें नहीं खेलना, तो यहाँ लिखेंगे रोड। नेवर टच इलेक्ट्रिक डैश, कभी भी इलेक्ट्रिक की किन चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए? वायर्स, तारों को, इलेक्ट्रिक तारों को, बिजली की तारों, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, बिजली की तारों को कभी भी टच नहीं करना, छूना नहीं है, कभी भी नहीं। नेवर मीन्स कभी भी नहीं। ओके, कभी भी नहीं छूना। चलो टर्न योर पेज, ठीक है, पेज नंबर 27 पे अब फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं। हाँ जी, फोर्थ सेंटेंस इज क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग। जब भी हमें रोड क्रॉस करनी है कहाँ से करनी चाहिए? जो ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइंस बनी होती है ना, वहाँ से, और उसको हम क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि जेब्रा की भी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट लाइंस और स्ट्राइप्स होती हैं, और वैसी ही रोड पर बनी है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। तो वहाँ से आपने रोड क्रॉस करनी है। लास्ट सेंटेंस फिलिप्स का, ऑलवेज वॉक ऑन द डैश। कहाँ पर चलना चाहिए बेटे हमेशा? फुटपाथ। कहाँ? फुटपाथ, यानी जो पैदल चलने का पथ बना होता है ना रास्ता, उस पर ही चलना चाहिए, बीच रोड में कभी भी नहीं चलना। ओके, तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सच बात है तो टी आपने लिखना है ट्रू, और झूठी है तो आप क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस, एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरफुल, कि जब हम ध्यान दे रहे होते हैं तब एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये तो गलत बात है, भी ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट होंगे ना। अगर हम ध्यान से चल फिर रहे हैं, ध्यान से सब काम कर रहे हैं, फिर एक्सीडेंट क्यों होगा? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा? फॉल्स, क्योंकि एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस, नॉट केयरफुल। यहाँ केयरफुल लिखा है, ये फॉल्स हो गया। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स, अभी हमने फिलअप में भी यही किया था, नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स, नेवर टच देम, है ना। तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तारों से नहीं खेलना है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सच्ची बात है। नेवर प्ले ऑन द रोड, बिल्कुल सही है, रोड पर कभी भी नहीं खेलना, तो ये भी क्या होगा? टी, ट्रू। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, उन्हें मानना है, और ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे टी, टी फॉर ट्रू। लास्ट सेंटेंस, वी कैन क्रॉस द रोड एनीवेयर, कहीं से भी क्रॉस कर लो ना, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे करनी है, और ये कह रहा है कहीं से भी कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। एनीवेयर मीन्स कहीं से भी, हमें कहीं से भी नहीं रोड क्रॉस करनी है, तो ये गलत बात बोल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एफ, एफ फॉर फॉल्स। नाउ लेट अस डू मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैचिंग करेंगे। कॉलम ए और कॉलम बी में हमें फाइव फाइव सेंटेंस गिवन है, ठीक है, इनको मैच करते हैं। फर्स्ट देखो, रेड लाइट, रेड लाइट क्या कहती है? गोगो, नहीं। इलेक्ट्रिक वायर्स भी नहीं, वेट, नो। स्टॉप, यस, रेड लाइट से स्टॉप, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर वन लिख देंगे। नेक्स्ट इज येलो लाइट, येलो लाइट क्या कहती है हमें? वेट, इंतजार करो, है ना, रेडी हो जाओ और वेट करो, बस अभी ग्रीन लाइट होगी फिर चलेंगे, यही कहते हैं ना, तो इसके आगे हम लिख देंगे टू। नेक्स्ट आ गया ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट क्या कहती है? जी फॉर ग्रीन, जी फॉर गो, गो 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 राइट अवे, बिल्कुल चले जाओ अब जहाँ जाना है, तो गो गो से मैच करेंगे। थ्री पॉइंट, थर्ड यहाँ पर लिख देंगे। क्रॉस द रोड एट, अभी हमने किया फिलिप्स में भी किया, ट्रू फॉल्स में भी किया, कहाँ से करनी है?
जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर क्या लिख देंगे हम, फोर, इनको मैच करना है, ठीक है। फिफ्थ इज नेवर टच, कभी भी नहीं छूना, क्या नहीं छूना, इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की तारों को, ओके। तो यहां लिखेंगे हम फाइव। अब प्यार बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के, और ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं यहाँ आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ कि आपने क्या लिखना है, फिर आप अपनी नोटबुक में ये काम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है। डू यू रिमेम्बर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन, जिस पर्सन को चोट लगी हो, इंजर्ड हो, उसको सबसे पहली, इमीडिएटली सबसे पहली जो मेडिकल हेल्प दी जाती है वो होती है फर्स्ट एड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड बी क्रॉस द रोड एट, ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल है ये, तभी तो हर क्वेश्चन में हमें ये मिला, फिलिप्स में मिला, ट्रू फॉल्स में मिला, मैच में भी मिला, एंड नाउ क्वेश्चन आंसर्स में भी है। सो बेटे आप ध्यान दे रहे हैं ना कितना इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल है, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। अब तक तो आप सबको याद भी हो गया होगा कि कहाँ से क्रॉस करनी है हमें रोड, जेब्रा क्रॉसिंग से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एक्सीडेंट्स हैपन, ये अभी हमने ट्रू फॉल्स में किया था, है ना, वहाँ पर गलत बात लिखी हुई थी कि केयरफुल होने पर एक्सीडेंट होगा, जबकि एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस। जब हम केयरलेसनेस दिखाते हैं ना, हम केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तब एक्सीडेंट्स होते हैं। अब बच्चों टर्न द पेज, पेज नंबर 28 पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड, ये भी हमने फिलिप्स में किया था, कहाँ चलना चाहिए हमें, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, टी फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना है, यानी पैदल पथ पर, जहाँ पर चलने की जगह बनी होती है, आपने देखी होगी रोड साइड्स में बनी होती है जगह, ठीक है, वहीं चलना है। तो डियर चिल्ड्रन, मुझे अब आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ यू विल डू इट्स बैक बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स इन नीट एंड क्लीन राइटिंग, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है, और लर्न करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीक हम लोग टेस्ट प्लान करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।